राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जहां एक तरफ विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू पर अप्रत्यक्ष रूप से वार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। यशवंत सिन्हा को कड़ी टक्कर देने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव प्रचार को लेकर अपनी रणनीति बनाई है। 5 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू बिहार पहुंचेंगी, अलग अलग राजनीतिक दलों के विधायकों और सांसदों से मिलेंगी, उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगी। जहां एक तरफ जेडीयू और हम पहले से ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं आरजेडी, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस विपक्षी कैंडिडेट यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में द्रौपदी मुर्मू के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने की रणनीति बनाने के लिए एनडीए नेता संयुक्त बैठक कर सकते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल हैं। बिहार के राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों और विधायकों का कुल मत मूल्य 81,239 है, जिसमें विधायकों के पास 42,039 और दोनों सदनों के सांसदों के 39,200 मत है। बिहार में एक विधायक के वोट की वैल्यू 173 है। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के मत का मूल्य 700 है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब द्रौपदी मुर्मू बिहार में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समर्थन हासिल करने के लिए आ रही हैं। यशवंत सिन्हा के खिलाफ द्रौपदी बिहार में अपने आप को मजबूत करने की रणनीति तैयार कर चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।